यूक्रेन में चल रहे युद्ध की दहशत से वहां के लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए। इन हालात में यूक्रेन के नागरिकों ने अपने पड़ोसी देशों में पलायन तेज कर दिया और इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां की निप्रो स्टेशन से भी सामने आई, जहां ट्रेन पकड़ने की लोगों में जैसे होड़ सी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इस इंतजार में दिखे कि ट्रेन आए तो वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर जाएं। ऐसे में वो रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहाँ का तापमान माइनस में है और कई जगहों पर बर्फबारी भी जारी है। इन बातों की परवाह किए बगैर लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े, कोई अकेला, कोई बच्चे और अपने पूरे परिवार के साथ, और कोई केवल सामान के साथ। इन हालात में उन सब का ध्यान बस यूक्रेन छोड़ने पर रहा। कुछ इसी तरह के हालात लिव्यू रेलवे स्टेशन पर देखे गए। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे लोगों में बस इंतजार इस बात का दिखा कि कर्फ्यू खत्म हो तो वो वहां से आगे जाएं। लेकिन उनकी ये तपस्या कब खत्म होगी ये वो भी नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि जब तक वो वहां है उनके सिर पर मौत मंडरा रही है। हालांकि कुछ लोग पड़ोसी देशों के लिए रवाना होने की जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ अपने पूरे परिवार के साथ पोलैंड पहुंच भी चुके हैं। राजधानी वॉर्सो के एक बस अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग वहां नजर आए, जो अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच तो गए लेकिन अब भी उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। I kind of need to start over things again being in Poland. यूक्रेन से पलायन करने के बाद पोलैंड के कुछ नागरिक उनकी मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने उनके लिए खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों तक का इंतजाम किया।